हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पारुल्स कुक बुक। आज मैं पालक पनीर बनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर है, इसे ट्राई कीजिए और प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने 250 ग्राम पालक ले लिया और एक हरी मिर्च ले लिया, इसे ब्लेंड कर लेंगे। एक टेबल स्पून ऑयल, 400 ग्राम पनीर, डेढ़ टमाटर बारीक कटे हुए, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक टेबल स्पून मक्खन, आधा टीस्पून लहसुन का पेस्ट, आधा टीस्पून अदरक का पेस्ट, एक टीस्पून कसूरी मेथी, 3/4 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून किचन किंग मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप डालना चाहें तो डालिए। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। मैं फ्रोज़न पनीर यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसको पानी में बॉईल कर लूँगी थोड़ी देर के लिए, इससे पनीर सॉफ्ट हो जाएगा। मैंने एक पैन में पानी गरम कर लिया है, उसमें आधा टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। पानी को बॉईल होने देंगे। पानी बॉईल हो गया है, अब इसमें पनीर ऐड कर लेंगे और ढककर इसको 3-4 मिनट तक और बॉईल होने देंगे। आइए पनीर चेक कर लेते हैं। पनीर सॉफ्ट हो गया है, अब गैस बंद कर देंगे और इसको साइड में रख लेंगे। पालक पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन गरम कर लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। बटर को थोड़ा मेल्ट हो जाने देंगे। अब इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज भून गया है, अब इसमें मसाले डाल लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला और नमक। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और मसालों से ऑयल अलग होने तक इसको भून लेंगे। मसालों से ऑयल अलग हो गया है, अब इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको भून लेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें पालक ऐड कर लेंगे। मैंने पालक को थोड़ा मोटा ही पीसा है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पालक पनीर में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर पालक के साथ में अच्छे से ब्लेंड हो गया है बिल्कुल। अब इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक कुक होने के लिए रख देंगे। अब पनीर को क्यूब्स में कट कर लेंगे। इसको आप अपने अकॉर्डिंग शेप कर सकते हैं। मैंने फ्रोज़न पनीर लिया है इसलिए मैंने इसको बॉईल किया था। अगर आप होममेड पनीर ले रहे हैं तो आप ये प्रोसेस स्किप कर सकते हैं। आइए पनीर चेक कर लेते हैं। पालक कुक हो गई है अच्छे से, अब इसमें पनीर ऐड कर देंगे।
इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको ढककर 5 मिनट तक और पका लेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं, अब पनीर चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा पनीर बन के रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथ पर ऐसे रगड़ कर फिर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। गरम मसाला डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। गैस बंद कर देंगे। अब सबसे लास्ट में इसमें 3 टीस्पून क्रीम डाल देंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं हो तो आप घर पर मलाई होती है उसको आप फेंट कर डाल सकते हैं। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। पनीर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फुल लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे संग शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।